मोदी मंत्रिमंडल में बदले जा सकते हैं उत्तर प्रदेश कोटे के केंद्रीय मंत्री। क्या जाति समीकरण पर है जोर? जाने किनके नाम सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नम सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं इन सबके बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी की नज़र उत्तर प्रदेश पर है, ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो फिर उत्तर प्रदेश को तरजीह दी जाएगी। केंद्र में उत्तर प्रदेश कोटे में भी बदलाव तय है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में फिलहाल विस्तार की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, ऐसे में कुछ मंत्रियों को बाहर करने के बाद नए चेहरों को एंट्री दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश कोटे से अगर मंत्रियों की छटनी की जाती है तो फिर बीजेपी, दलित, ओबीसी और ब्राह्मण चेहरे पर दांव चल सकती है। ऐसे में मौजूदा मंत्रियों के सिर पर खतरे की तलवार लटक रही है। उत्तर प्रदेश से महेंद्र नाथ पांडे, अजय मिश्रा टेनी समेत चार मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। पांडे का विभाग भारी उद्योग पर शिवसेना का दावा रहा है। उत्तर प्रदेश कोटे से संजू बलियान का कद बढ़ाया जा सकता है। पांडे और टेनी का पत्ता काटा जा सकता है तो उनकी जगह ब्राह्मणों को साधने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी या हरीश द्विवेदी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वाजपेयी और द्विवेदी दोनों अभी राष्ट्रीय संगठन में कार्यरत हैं। बीजेपी में उत्तर प्रदेश कोटे से पिछड़े वर्ग के कई चेहरे शामिल हैं। माना जा रहा है कि जाति समीकरण को प्रभावित किए बिना चेहरा बदला जा सकता है। इसके अलावा किसी दलित चेहरे को जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल ब्राह्मण चेहरों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। इन चेहरों में बदलाव किया गया तो फिर किसी युवा चेहरे को मौका दिया जा सकता है। आगामी चुनाव की तैयारी को देखते हुए मोदी 2.0 का ये अंतिम विस्तार है। लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि नए बदलाव में इन राज्यों को भी हिस्सेदारी दी जा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही ये बदलाव किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।